बिग ब्रेकिंग, यूपी के कानपुर में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे आगे। प्रमिला पांडे आगे चल रही है, लेकिन अंसारी साहब कहा यह जा रहा है कि बड़ा सोचा समझा मूव था, जानबूझकर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, इसीलिए बजरंग दल का नाम लिया। एक थॉट ये भी है, तो फिर पीएफआई का क्यों ले लिया ना? जावेद साहब, इस बीच हम ये भी बता देते हैं कि बहुमत से अब कौन इस वक्त जो रुझाने उसमें प्रयागराज में, इससे पहले बड़ी खबर, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी उमेश चंद्र गणेश केसरवानी आगे। जो यहाँ अब इलाहाबाद से प्रयागराज से आगे चल रहे हैं और यही वो जगह है जहां से बड़ा बड़ा मैसेज दिया गया, जिसके दम पर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सभी जगह वो मेयर चुनाव जीत लेगी। और बड़ा दिखाई भी दे रही है, रैली में योगी आदित्यनाथ ने जिक्र भी किया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, ये कहा था और मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो प्रयागराज से बीजेपी आगे चल रही है और प्रयागराज में जो कुछ हुआ उसका रोचक ये भी था कि जो मंत्री हैं नंदी जी, उनकी पत्नी अभिलाषा मेयर थी, वो दो बार हो गई थी उनका टिकट काट के, और जो महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी उसको टिकट दिया गया, जो विशुद्ध कार्यकर्ता उसको टिकट दिया गया। बिग ब्रेकिंग, कर्नाटक के केत्तूर से बीजेपी के महंतेश आगे। जी हाँ, और देखिए अब रुझान में बीजेपी 87, कांग्रेस पार्टी 106, जेडीएस 13, अन्य के खाते में 0, बदागी से कांग्रेस पार्टी आगे, हावेरी से कांग्रेस के रुद्रप्पा आगे चल रहे हैं। ये 206 सीटों के रुझान है 224 में से जो सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी खासी बढ़त हासिल है फिलहाल बीजेपी पर जो रुझान है उसमें। पोस्टल बैलेट से हम आगे बढ़ चुके हैं अब, लेकिन उसमें एक बढ़त जरूर कांग्रेस पार्टी के पास हासिल है इस वक्त 108 सीटों पर। इससे तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी अब 6-7 सीट जी हाँ बहुमत में आने से बात बिल्कुल। लेकिन हर्षवर्धन जी, अब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म हो गई होगी क्या, क्योंकि 8:35 मिनट हो गया है? नहीं, मुझे लगता है वैसे भी ये पोस्टल बैलेट्स की संख्या भी पहले से कम हुई, कम हो जाती है। पहले पोस्टल बैलेट बहुत ज्यादा होते थे, पोस्टल बैलेट्स की संख्या कम हुई है। दूसरा, अब पोस्टल बैलेट का जो सेग्रीगेशन होता है वो उतना पहले जैसा नहीं रहा, जो मुश्किल होती थी, तो इसलिए भी मुझे लगता है कि थोड़ा तेजी से काउंटिंग होती है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि 10-15 मिनट या 20 मिनट और लगेंगे जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो। और देखिए 206 सीटों के रुझान हमारे सामने आ चुके हैं। ब्रेकिंग, कर्नाटक के टेरडल से कांग्रेस के सिद्धप्पा आगे। कांग्रेस के सिद्धप्पा आगे चल रहे हैं और देखिए स्क्रीन पर ट्रैक्टर भी नजर आ रहा है सुमेरा, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है कर्नाटक, और ट्रैक्टर्स के जरिए जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। जेडीएस 13, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल नजर आ रही है रुझानों में 108 सीटों के साथ, बीजेपी के खाते में 86 सीटें जाती हुई नजर आ रही। बिग ब्रेकिंग, कर्नाटक के येलापुर से कांग्रेस के वीएस पाटिल आगे। वीएस पाटिल आगे चल रहे हैं और देखिए रीजन वाइज तस्वीर भी स्क्रीन के दाहिनी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई कर्नाटक में 27 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 22 सीटों पर आगे। सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी 12, कांग्रेस 18 सीटों पर आगे, कांग्रेस का पल्ला भारी। हैदराबाद कर्नाटक में भी बीजेपी सिर्फ 6, कांग्रेस के खाते में 25 सीटें। और ओल्ड मैसूरु जेडीएस का गढ़, यहाँ पर जेडीएस के खाते में सिर्फ 9 सीटें, 35 पर कांग्रेस। जयशंकर गुप्ता जी, लेकिन ये जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, अगर इसी को और हम एग्जिट पोल की भी बात करें और अभी की तस्वीर की भी बात करें और यही हम अगर अनुमानित करें कि यही तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी की बढ़त को सबसे मुख्य वजह क्या है? क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही जो उनका कैंपेन था वो बहुत कोऑर्डिनेटेड था, ये कहा जा रहा था सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, लेकिन कैंपेन उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेटेड किया। क्या सेल्फ गोल नहीं करते तो और बढ़त मिलती, या उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस ने एक मुद्दा जो पकड़ लिया था मिस्टर 40%, उसका भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं दे पाई। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, येदियुरप्पा जी सारे लोग मिलकर के बजरंग बली को दाव पर लगा दिया, भगवान शिव को दाव पर लगा दिया, लेकिन 40% का जवाब नहीं दे पाए। तो सर, एक बात मुझे बताइए जेन्युइनली, कर्नाटक में पैसे का इतना बोलबाला है, वहां के जो कैंडिडेट्स हैं इतने रईस हैं, क्या आपको लगता है कि करप्शन एक मुद्दा था या फिर वो हिस्ट्री? बिल्कुल, अपने आप किसी को। कर्नाटक के कांपली से बीजेपी के सुरेश बाबू आगे। या वहां पर वो हिस्ट्री की रिपीट नहीं करना है वो ज्यादा हावी पड़ी, नहीं क्योंकि उनके लिए ये इश्यूज हैं भी या नहीं है? नहीं, बहुत बड़ा इश्यूज है, क्योंकि देखिए कुछ लोग अमीर हो सकते हैं लेकिन बाकी राज्य की जनता जो है वो तो गरीब है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सबके सर पे है। नहीं, इस पे थोड़ा सा ये मुझे लगता है फैक्ट चेक करना चाहिए इस पे जी। कर्नाटक देश के सबसे अमीर राज्यों में है, थर्ड रिचेस्ट स्टेट है,
पर कैपिटा इनकम थ्री फोल्ड बढ़ी है पिछले 5 सालों में, इसलिए कर्नाटक को हम उस तरह से नहीं देख सकते। और करप्शन की बात है तो सबसे ज्यादा करप्शन के बाद अगर येदियुरप्पा की बात किसी पर है तो डीके शिवकुमार पर है जो कांग्रेस के नेता है। लेकिन हर्षवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी का तो पोल प्लान ही ये था कि महंगाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है, यही उनका पोल प्लान है और उसी पर वो जीत दर्ज कर रहे हैं। शुरुआती दौर में भले था, बाद में उनको समझ में आ गया कि अगर मुसलमान प्लस वो कलीगा वो थोक में नहीं आएगा तो वही त्रिशंकु विधानसभा होगी, वही कुमार।